हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। डियर एग्रीयंस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकर दुर्ग छत्तीसगढ़ में सीड जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। यहां आपको ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपका वन ईयर डिप्लोमा कोर्स भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एमएससी कर सकते हो, सो यहाँ पे फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ सिल्वीकल्चर जो फर्स्ट वाले हैं वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में भी आपका सेम जो आपका सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर फॉलो होते हैं। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आउट कर दिया गया है आपका ऑफिशियल वेबसाइट mguvv.ac.in के थ्रू। चलिए इसके बारे में हम डिटेल आगे डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री साकर पाटन दुर्ग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीट यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी कर दिया गया है, जिसमें आप पीजी जो प्रोग्राम है और जो पीएचडी प्रोग्राम है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम जो आपका फैकल्टी कौन कौन से रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका दो फैकल्टी आपको हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ऑफ दिस यूनिवर्सिटी में। तो इसमें जो डिग्री है वो कौन कौन से आपका फैकल्टी में है, तो फ्रूट साइंस सब्जेक्ट में है आपका, वेजिटेबल में, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिग्री जो है वो आपको बताई गई है, इसका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन एडमिशन के लिए वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स है एग्रीकल्चर में। तो आपका नॉन ऑनर्स ऑनर्स दोनों एलिजिबल हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो या वो हॉर्टिकल्चर से हो। लेकिन रुको, यहाँ पे ओजीपीए जो हो या आपका 6 होना चाहिए, ठीक है, और ICAR एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम जो आपका ड्यूरेशन है वो आपका टू ईयर का होगा, ठीक। तो ये तो रहा गया अब भाई बात आपका क्या फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर की, सेम टू सेम है आपका फॉरेस्ट्री में भी। लेकिन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा, किस किस सब्जेक्ट्स में आप क्या कर सकते हो एमएससी, तो ये डिफरेंट है। तो ये एक बार आप यहाँ पे देख लेना भाई, सिल्वीकल्चर एंड एग्रोफॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं, थोड़ा जो आपका नोटिस है वो थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे ड्यूअल जो डिग्री प्रोग्राम है उसके बारे में भी बताया गया, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका दिया गया है, या आपका हॉर्टिकल्चर फैकल्टी के लिए है आपका। इसमें जो मिनिमम ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 4 ईयर का हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एमएससी आपका 2 ईयर का, और जो आपका पीएचडी है वो भी आपका 2 ईयर का। तो टोटल मिला के आपको 4 साल यहाँ पे देने हैं ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। जो क्वालिफिकेशन है वो जो आपको मैंने पहले बताया, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन के लिए बताई गई है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी भाई कि आप MGUV जो आपका यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप 1 ईयर के लिए जो है वो आप डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हो, डिग्री प्रोग्राम करते करते ही, ठीक है, जहाँ पे आप हाईटेक नर्सरी मैनेजमेंट, लैक कल्टीवेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, टिशू कल्चर और डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, जो कोर्सेज हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो 1 ईयर के लिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई। अब फाइनली हम जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं उस चीज़ में चलते हैं। सीट जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, वो इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है सबसे पहले MGUVV के द्वारा फर्स्ट टाइम। और इसमें जो आपका मिनिमम जो आपका मार्क्स रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ नहीं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहो तो नोटिस डाउनलोड कर लेना आपका MGUVV.ac.in या इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से ईज़िली ये जो नोटिफिकेशन है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है या इस एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ये देखिए भाई MGUVV.ac.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे।
बताया गया भी कि द सेल भी 33% कट ऑफ मार्क्स द क्वालिफाइंग फीजी, मतलब कि आपका जो सीट एग्ज़ाम है उसमें क्वालिफाई आप 33% अगर कट ऑफ लाते हो तब आप उसमें क्वालिफाई रहोगे, जिसमें आपका एससी और एसटी के लिए 5% आपका रिलैक्सेशन दिया गया है कट ऑफ प्रोवाइडेड में, ठीक है। ये यहाँ पे मेन है। हाँ, यहाँ पे एडमिशन के लिए जो आपका मिनिमम एज रहेगा वो 20 ईयर का होगा, 31 अगस्त तक आपका 20 ईयर हो जाना चाहिए उसको। बाकी यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आप एमएससी करोगे नॉर्मल तो आपका 2 ईयर का, अगर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम करोगे तो आपका 4 ईयर का होने वाला है। बाकी यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया भाई कि अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका जो ग्रेजुएशन है अगर 30 जून 2023 तक कंप्लीट हो जाता है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे, ओके। ये आपका बताया गया है। बाकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आएगा, फ़ीस कितना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो भाई वेबसाइट ऑफिशियल mguvv.ac.in, यहाँ पे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी टू बी डिपॉजिट ऑनलाइन, ऑनलाइन थ्रू आप जैसे आप डेबिट कार्ड करना चाहते हो, नेट बैंकिंग करना चाहते हो, कोई वॉलेट से करना चाहते हो लाइक फ़ोनपे पेटीएम, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो जो आपका ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, उनके लिए 400 आपका जो फ़ी है वो रखी गई है। एसएसटी के लिए जो है वो आपका 100 रुपीज़ जो फ़ी है वो एग्ज़ाम की रखी गई है। डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लिंक विल बी ओपन फ्रॉम 29 तारीख से आपका ये ओपन हो गया, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट जो रहेगा वो आपका 10/6/2023, यानी कि 10 तारीख तक आप जो है वो फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं भाई डेट एंड टाइम फॉर पीजी सीट 2023, तो ये आपका 18/6/2023 को जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका होने वाला है 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। तो याद रखना भाई, ये आपका मेन था, ठीक। अगर आप एप्लीकेशन जो फील है वो करना चाहते हो तो ज़रूर करो। फर्स्ट टाइम जो यूनिवर्सिटी वो सीट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रही है, चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगा। ये आपका बताया गया है कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स जहाँ पे आप जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चूज़ कर सकते हो, लाइक रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर। अगर इनको एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ाने पड़े तो वो अपने हिसाब से जो एग्ज़ाम सेंटर है वो वहाँ पे बढ़ाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो कहाँ कहाँ पे किस किस कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में बताया गया है कि भाई देखो, कॉलेज जो KLS कॉलेज है राजनांदगांव में, वहाँ पे फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, जो आपका जो डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, लिस्ट बताए गए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट जो बताए गए हैं। बाकी आप जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो सीट है उसका जो एग्ज़ाम है ज़रूर दिलाइए, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आपके एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए अवेलेबल हैं। तो आप ये जो एमएससी और पीएचडी के लिए जो गोल्डन चांस मिला है इसको छोड़िए मत, आप सीट का जो एग्ज़ाम है ज़रूर दिलाइए, अपना जो फॉर्म है फिलअप कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। बाकी जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम दे पाएंगे वो देंगे आपको, कमेंट करके आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ लेना, ठीक है। चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।